हेलो एवरीवन हाउ यू ऑल बच्चों माय सेल्फ हिमांशी जोशी योर नीड बायो गुरु एंड आज के इस सेशन में मैं आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करने वाली हूँ बहुत ज़रूरी आई वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग पॉडकास्ट एंड आई होप जो मैं कह रही हूँ आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे एंड ट्रस्ट मी आपको फ़ायदा होगा एंड अगर आप लोग को फ़ायदा होता है तो कमेंट करके और लाइक like करके ज़रूर बताइएगा मैं देखूँगी और आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं मैं उसको भी आप लोग कैसे उसको हल कर सकते हो कैसे उसको ट्रीट कर सकते हो उसके बारे में भी हम बात करेंगे बस आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ बॉडर कर रही है तभी उसका सल्यूशन मिलेगा चलिए सबसे फेमस क्वेश्चन बच्चों का ये होता है कि मैम हम एक दिन में कैसे तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ें सबसे सबसे मुश्किल सवाल कि मैम हम एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रह जाते हैं दिन भर टाइम निकल जाता है और हम दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं कर पाते तो बच्चों सबसे पहले आपके पास एक रफ टाइम टेबल होना चाहिए मुझे पता है टाइम टेबल फॉलो करना पॉइंट टू पॉइंट पॉसिबल नहीं हो पाता ऊपर नीचे हो ही जाता है हो ही जाता है तो आपको इसीलिए मैंने बोला रफ रफ टाइम टेबल कि आप लोग एक छोटा सा एक रफ टाइम टेबल डेली का सेट कीजिए और सुबह उठ के कीजिए आपके पास एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए कि आज मुझे ये ये करना है सुबह उठ के एंड रात को सोने से पहले उन टू डू लिस्ट्स में आपका टिक होना चाहिए कि मैंने ये सब जो प्लान किया था वो कर लिया अब उस टू डू लिस्ट में आप ऐसी क्या क्या चीज़ें मेंशन कर सकते हैं सबसे पहले कि देखो हाउ यू हैव टू प्लान योर डे ना तो देखो अब एग्जाम आने वाला है आपको पता है कि आपको फिजिक्स भी करनी है केमिस्ट्री भी करनी है और बायोलॉजी भी करनी है तो हम क्या गलती कर देते हैं हम ये एनालाइज नहीं कर पाते हमें हमारे स्ट्रेंथ हमारी वीकनेसेस पता नहीं होते हैं उसको अवॉइड है आपको ये पता होना चाहिए कि आपका फिजिक्स का कौन सा टॉपिक वीक है आपको कौन सा टॉपिक हार्ड लगता है तो आप क्या कीजिए लेट से लेट से कोई पर्टिकुलर डे लेट से मंडे ले लिया मंडे को आपने डिसाइड किया कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पढ़ने तो शुरुआत में सबसे पहले आप फिजिक्स उठाइए ऐसा मेरा मानना है आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं मैं क्या करती थी सबसे पहले फिजिक्स उठाती थी क्योंकि फिजिक्स में आपको सोल्यूशंस करने हैं। और जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो ना तो फ्रेश माइंड होना बहुत ज़रूरी है वो सुबह सुबह होता है क्योंकि हम अच्छे से सिक्स आवर्स का सिक्स टू सेवन आवर्स का स्लीप लेकर के आए हैं तो आपका दिमाग काफ़ी खुला होता है अच्छा होता है फ्रेश होता है तो आप सबसे पहले फिजिक्स उठाइए और अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आप क्या क्या टॉपिक्स करेंगे तो अगर आप फिजिक्स में आज कोई लेट्स से मंडे को कोई अगर हार्ड टॉपिक उठा रहे हो तो बच्चों ये ध्यान रखना कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपका इजी टॉपिक होना चाहिए दोनों सब्जेक्ट्स में तो फिजिक्स का लेट्स से आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उठा लिया तो केमिस्ट्री में कोई ईजी टॉपिक जो आपको पसंद हो जो आपको लगता हो कि हाँ ये मैं जल्दी से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और बायोलॉजी का कोई ईजी टॉपिक आप तीनों के क्वेश्चन सॉल्व करोगे बिना क्वेश्चन सॉल्व किए हमें नहीं उठना है देखो फिजिक्स में रटने से कोई मतलब नहीं है बायोलॉजी में हमें थ्योरी तो आनी नहीं है, है, है तो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए हमारे ब्रेन को यह पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे अटेम्प्ट करना है और वो आएगा प्रैक्टिस से तो आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उस पर उसी दिन उसी टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करो फिजिक्स उठाया कॉन्सेप्ट रिवाइज किया और क्वेश्चन किए जितने हो सकते हैं क्वेश्चन करो जितने हो सकते हैं क्वेश्चन करो क्वेश्चन ही आखिरी में आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे, ये याद रखना भले ही वो बायोलॉजी की बात हो या केमिस्ट्री की बात हो बच्चे सोचते हैं कि बायो में मैं क्या करूंगा क्वेश्चन सॉल्व करके तो वो बहुत ही गलत बात है क्योंकि 90 तो बायोलॉजी के हैं थ्री सिक्सटी मार्क्स तो बायोलॉजी के हैं कोशिश करनी है कि थ्री सिक्सटी में से थ्री सिक्सटी मार्क्स लेके आए और वो तभी आएगा जब हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे चलिए ये मंडे की बात हुई अब ट्यूजडे पे आते हैं अब ट्यूसडे को आपको कोई केमिस्ट्री का हार्ड टॉपिक उठाना है जो आपको करने में टाइम लगता है और आपको पता है कि यार ये मुश्किल है मुझसे जल्दी से नहीं होता मुझे जल्दी से समझ नहीं आता इसके क्वेश्चंस नहीं बनते तो उस दिन आप फिजिक्स और बायोलॉजी का इजी टॉपिक उठाएंगे तीनों पे क्वेश्चन करेंगे ट्यूजडे फिर आप वेडनेसडे पे जाएं, वेडनेसडे पे फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई इजी टॉपिक होगा और बायोलॉजी के अंदर कोई हैवी भारी टॉपिक होगा से आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोई टॉपिक ले लिया प्लांट फिजियोलॉजी ले लिया आपका ऐसा टॉपिक जो आपको जल्दी से समझ नहीं आता है आपको टाइम लगता है करने में इस तरीके से आपको आपका दिन डिवाइड करना है प्लान करना है कि जिस दिन आप फिजिक्स में एक सब्जेक्ट में कोई हार्ड टॉपिक ले रहे हो उसी दिन आप नेक्स्ट टू टॉपिक्स नेक्स्ट टू चैप्ट जो सब्जेक्ट्स हैं बच्चों उनमें आप ले रहे हो ईजी टॉपिक तो ये आपको देखना है ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए हार्ड टॉपिक कौन सा है आपको ईजी टॉपिक कौन सा लगता है आपको कौन सा टॉपिक नहीं आता है प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है से ध्यान रखिएगा ऐसे नहीं कि आज नहीं मन कर रहा कल कर लेंगे कल नहीं मन कर रहा परसों कर लेंगे कब तक हम आगे डालते रहेंगे एक ही तो लाइफ मिली है थोड़ा सा ही तो टाइम है सबके पास सबके पास थोड़ा सा ही टाइम है तो क्यों ना हम इस लाइफ को वर्थवाइल बनाएं क्यों ना हम इसी तरीके से काम करें कि यार हमारे पास एक ही ऑप्शन है अगर ये नहीं तो कुछ और नहीं आपको पता है आपको पता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो हम अपना हंड्रेड परसेंट नहीं दे पाते अगर लाइफ और डेथ का मामला होता है ना तो आपको पता है कि यार एक ही एक ही आप लोगों के पास स्टेप है तो आप अपना हंड्रेड परसेंट लगा देते हो उस चीज को अचीव करने के लिए क्योंकि आपको पता है और कोई ऑप्शन नहीं है लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन हैं तो हम हल्के पड़ जाते हैं ठंडे पड़ जाते हैं तो अभी अपने आप को सेकेंड ऑप्शन देना बंद करो कि मैं ये कर लूंगा मैं ये कर लूँगी अगर ये नहीं हुआ तो नो कीप वन ऑप्शन यही है जो है अगर मैं नहीं कर सकता तो कोई और भी नहीं कर सकता पॉजिटिव थॉट्स के साथ उठिए पॉजिटिव थॉट्स के साथ सोइए अपने लिए टू डू लिस्ट बनाइए कि मुझे ये ये करना है और इस तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कीजिए कि एक टॉपिक एक सब्जेक्ट का हार्ड टॉपिक और बाकी के दो सब्जेक्ट्स के ईजी टॉपिक्स जो आपको वही उसी तरीके से आपका जो डे है वो प्रोडक्टिव होगा बच्चों प्रोडक्टिव होगा एंड स्लॉट्स में पढ़िए आपको लगता है कि मैं एक घंटे प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट कर पाता हूं या कर पाती हूं तो आप पढ़िए फिर उसके बाद आप क्वेश्चन कीजिए फाइव टू टेन मिनट्स का ब्रेक लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक घंटा पढ़ा और आधे घंटे का ब्रेक ले लिया नहीं तो इस तरीके से आपको अपना दिन प्लान करना है राइट right? तो ये थी कुछ जरूरी बातें जो मुझे आपसे बतानी थी आप करके देखिए आपको फ़ायदा मिलेगा आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स होगा खुश रहिए छः घंटे की नींद लीजिए और आप क्या सोचते हैं आपको क्या कन्फ्यूजन है आप किस चीज़ पर मेरी सलाह लेना चाहते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं मैं सुनूंगी मैं देखूँगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को सॉल्व करने की तो दैट्स इट बच्चों आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं माई सेल्फ हिमांशी जोशी या नीट गुरु अगर आप चाहते हैं मुझसे बायोलॉजी पढ़ना तो आई हैव अ चैनल नीट गुरु आप आके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं बायोलॉजी पढ़ सकते हैं थैंक यू सो मच एंड आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मैं देखूँगी थैंक यू ब बाय टेक केयर ऑल ऑफ़ यू टेक केयर